व्यूअर्स, रचनास क्रिएशन करछी से कलम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूँ रचना और आज की वीडियो है बहुत ही खास सभी के लिए, सभी एज ग्रुप के लिए, सभी लोगों के लिए। ये जरूरत है स्टीम यानी भाप लेना। आज की लाइफ में हम सबकी बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन स्टीम या भाप से जुड़े बहुत सारे सवाल आप लोगों के हैं जो लोगों ने मुझे कमेंट किए और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं जिसको दूर करना बहुत जरूरी है। स्टीम या भाप हर कोई ले रहा है आजकल, और जो नहीं ले रहा उनको जरूर लेना चाहिए। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ किन चीजों से स्टीम लेना ज्यादा फायदेमंद है, कितनी देर स्टीम ले ताकि वो आपको फायदा करे ना कि नुकसान कर जाए, स्टीम लेने का सही तरीका क्या होता है यानी भाप लेने का सही तरीका क्या होता है, किस चीज से भाप लें और भाप लेने से आपको क्या क्या फायदे होंगे और गलत तरीके से लेने से आपको क्या नुकसान हो सकते हैं, यानी भाप या स्टीम लेने से जुड़े आपके जितने सवाल, जितने डाउट्स हैं, जितने कंफ्यूजन हैं, उन सबको मैं इस वीडियो के थ्रू दूर कर दूंगी। तो सबसे पहले किस चीज से भाप लेना चाहिए। मैक्सिमम लोग जो है विक्स वेपोराइजर या किसी भी तरह के इस जो केमिकल वाले मिंट है उनसे भाप ले रहे हैं, तो उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये आपको जो चीज आपको 100% फायदा कर सकती है वो आपको 50% ही फायदा करेगी अगर आप किसी भी तरह का इस तरह का रब इस्तेमाल कर रहे हैं भाप लेने के लिए, चाहे विक्स हो चाहे कोई और भी हो। क्यों? क्योंकि वो केमिकल वाले मिंट है जिसका इफेक्ट आपके लंग्स पे पड़ेगा, और बजाय ये कि लंग्स क्लियर हो आपके लंग्स में कंजेशन हो जाएगा और आपको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाएगी। स्पेशली जिन लोगों को अस्थमा है वो बिल्कुल भी इसका इस्तेमाल ना करें। अब अगला सवाल ये बनता है कि फिर हम भाप लें किससे। सबसे पहले तो आप प्लेन वाटर यानी सिर्फ पानी को गर्म करके भी स्टीम ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है तो प्लेन वाटर से सिर्फ स्टीम लीजिएगा तो भी आज की सिचुएशन से आप बचे रहिएगा। लेकिन अगर आप उसमें तीन में से कोई एक चीज मिलाते हैं तो बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले अजवाइन, आधा चम्मच अजवाइन एक पैन पानी में यानी कि 3 ग्लास पानी में आधा चम्मच अजवाइन डाल के भाप लीजिए। अजवाइन एक नेचुरल मिंट है। दूसरा कपूर, कपूर जो है वो बहुत ही अच्छा बैक्टीरिया किल करने वाला और अच्छे बैक्टीरिया बनाने वाला, शरीर को डिटॉक्स करने वाला और किसी भी तरह के वायरस को खत्म करने वाले के लिए बहुत अच्छा मिंट है। तो एक टुकड़ा कपूर का डाल करके आप उस मिंट से भी भाप ले सकते हैं। तो ये दो नेचुरल चीजें बता दी, इसके अलावा और भी चीजें हैं जैसे कि पुदीने की पत्ती, पुदीने का पत्ती का मिंट बहुत फायदेमंद होता है, नीम की पत्ती का भाप जो कि बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो ये चारों जो है ना ये नेचुरल मिंट है और इनका भाप लेना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। इन चारों में से आपके पास कोई चीज है तो जरूर इन्हीं में से कोई भाप लीजिए, अजवाइन, कपूर, पुदीना, नीम। मात्रा भी मैंने आपको बता दी, और अगर नहीं है तो प्लेन वाटर से भाप लीजिए, लेकिन किसी भी तरह का मार्केट का जो आता है प्रोडक्ट रब वो उसका इस्तेमाल मत करिए। तो पहले सवाल का जवाब आपको मिल गया किन चीजों से भाप लेना है। दूसरा, भाप कैसे लेना है, तो कैसे लेने का सही तरीका क्या होता है। ज्यादातर लोग होते हैं भाप लेकर के फैन चला के आराम से बैठ जाते हैं, ये आपके भाप को के इफेक्ट को नेगेटिव में ले जाता है यानी उसके साइड इफेक्ट हो जाते हैं आपको, और वापस से आपका चेस्ट में आपके कंजेशन हो सकता है। तो भाप लेने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले तो आपको फैन ऑफ करना है। दूसरा, भाप लेने के बाद आपको तुरंत हवा के कॉन्टैक्ट में नहीं जाना है, तो कोशिश करिए भाप लेने के बाद तुरंत मुंह को ढक करके थोड़ी देर लेट लिए। यही कारण है कि भाप ले हमेशा रात में सोते समय लेना ज्यादा फायदेमंद होता है। तीसरा, भाप लेते समय हमेशा फेस को ढक करके भाप लेना है, यानी भाप लेने का सही तरीका क्या है कि आपको किसी भी टॉवेल, दुपट्टे, किसी चीज से अपने फेस को इस तरह से ढक करके भाप लेना है। चौथा, बहुत सारे लोग नाक से खींच के नाक से छोड़ते हैं भाप को, इससे क्या होता है आपका सिर्फ ये चीज क्लियर होता है। अगर आपको चेस्ट के कंजेशन को क्लियर करना है तो आपको नाक से भाप को खींचना है, भाप को थोड़ी देर तक अपने चेस्ट में स्टे करना है और फिर मुंह खोल के उसको छोड़ना है इस तरह से। गलती से भी कभी मुंह से खींच के मुंह से मत छोड़िए, वो बिल्कुल गलत तरीका है। भाप को कभी भी मुंह से नहीं खींचना है, क्योंकि अगर आप मुंह से खींचेगा तो ड्रॉप्स जो होते हैं ना भाप के वो आपके चेस्ट में बन सकते हैं और उससे आपको चेस्ट में पेन की प्रॉब्लम हो सकती है। तो सबसे सही तरीका है भाप में कि भाप में आप नाक से खींच के मुंह से छोड़िए, मुंह को ढक करके भाप लीजिए, तुरंत हवा के कॉन्टेक्ट में मत जाइए और थोड़ी देर मुंह को ढक करके लेटिए। तो ये हो गया भाप लेने का सही तरीका। तीसरा,
कि भाप किस चीज से लेना है, मतलब किस में लेना है। तो अगर आपके पास भाप लेने वाली मशीन नहीं है तो आप एक पैन में पानी गर्म करके उसको ढक करके भी ले सकते हैं, सबसे पहला सॉल्यूशन। दूसरा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक केतली है, जो लोग सिंगल रहते हैं बैचलर है उनके पास इलेक्ट्रॉनिक केतली ज़रूर होती है, उसमें पानी गर्म करिए, अजवाइन, पुदीना, कपूर या कोई भी एक चीज़ इसमें डाल करके, और जब उससे भाप निकलना शुरू हो तो ढक करके उस जहाँ से भाप निकल रहा है वहाँ से भाप लीजिए। तीसरा, वेपराइजर मशीन आती है, भाप लेने की मशीन आती है, बहुत ही नॉर्मल रेंज में, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो ले लीजिए और जब भी भाप लीजिए उसके बाद बहुत अच्छे से उसको वॉश करके रखिए, और एक बार में कोई एक ही जन उससे भाप ले, अगर किसी ने लिया है तो दूसरे तुरंत उससे दूसरे जन को भाप नहीं लेना चाहिए, वो आपको नुकसान कर सकता है। इसके बाद बच्चों को, छोटे बच्चों को कैसे स्टीम दिला सकते हैं, तो छोटे बच्चों को स्टीम कैसे दिलाएं, जो बच्चे गोद में हैं तो उनको स्टीम दिलाने का तरीका है कि रूम के सारे दरवाजे खिड़की बंद कर लीजिए, भाप वाली मशीन चला दीजिए और फैन ऑफ कर दीजिए, तो जो स्टीम का मिंट है ना, चाहे वो अजवाइन का हो, पुदीने का हो, कपूर का हो या नीम का हो, उसका मिंट आपके रूम के पूरे हवा में मिक्स हो जाएगा और बच्चे उसी में ब्रीथ करेंगे तो ऑटोमेटिक उनको स्टीम का काम हो जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है। तो मैंने आपको बता दिया किन चीज़ों से भाप लेना है, किस तरीके से भाप लेना है, किस चीज़ से आप भाप ले सकते हैं, जैसे कि पैन में, इलेक्ट्रॉनिक केतली में या फिर वेपराइजर मशीन में, बच्चों को कैसे स्टीम दिलाना। अब मैं आपको बताती हूँ स्टीम लेने के फायदे क्या हैं। अभी के टाइम में स्टीम लेना सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि स्टीम जो है ना हमारे शरीर को अंदर से पूरी तरह से साफ करता है, डिटॉक्स करता है। हम 10 तरह के ड्रिंक्स पीते हैं डिटॉक्स करने के लिए, वो सब फायदेमंद है, लेकिन पूरी तरह से साफ करने के लिए 5 मिनट का स्टीम पर डे बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सोते समय ले लीजिए या किसी भी एक समय, स्पेशली जो लोग बाहर जा रहे हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी 5 मिनट का स्टीम ले, और ये जो है ना आपके लंग्स को क्लियर करता है, किसी भी तरह के कंजेशन से रोकता है, किसी भी तरह के इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। जिन लोगों को अस्थमा है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है या लंग्स से जुड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है स्टीम। और सबसे अच्छी बात कि स्टीम लेने के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, स्टीम लेने की कोई भी लिमिट नहीं है कि 10 डेज ही लेना उसके बाद नहीं लेना, पूरी लाइफ टाइम आप स्टीम लें, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं। और सबसे बड़ी बात कि स्टीम लेने से स्किन की चमक बढ़ती है, स्किन के जो बंद पोर्स होते हैं ना, छेद जो बंद हो जाते हैं वो खुल जाते हैं, ऑयली जिनकी स्किन है स्किन नॉर्मल हो जाती है, एज के इफेक्ट को भाप जो है ना वो कम करता है। तो जो लेडीज़ अक्सर अपने हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में आलस करती हैं, तो स्किन के प्रति जागरूक होकर के अपनी स्टीम लें तो आपकी स्किन भी चमक जाएगी और आप हेल्दी भी रहेगी, यानी कि अंदर से भी आप हेल्दी और बाहर से भी हेल्दी। तो सिर्फ 5 मिनट के काम से सोचिए आप अंदर बाहर दोनों तरह से कितने हेल्दी रह सकते हैं। तो स्टीम लीजिए, स्टीम के बहुत सारे फायदे हैं और कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अब अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करिएगा, चैनल के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर लीजिए, और मेरी ढेर सारी होम रेमेडीज़ की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, उसको क्लिक करके होम रेमेडीज देखिए, आपको ज़रूर पसंद आएगी। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी वीडियो अपडेट आपको मिलेगी। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने सवाल, अपने क्वेरीज, अपने कन्फ्यूजन्स मुझसे ज़रूर शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग रचनास क्रिएशन, करछी से कलम तक।